शगुना दा चढ़े आओ सखियों नी बेड़ा सजे आ हाँ नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल शिखा ब्यूटी वर्ल्ड में। तो आज का जो वीडियो है ये एक इंडियन ब्राइडल मेकअप लुक ट्यूटोरियल है जिसमें मैंने रेड एंड गोल्डन ग्लिटर का इस्तेमाल किया है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आप और भी ऐसे वीडियो देख सके, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप उससे नोटिफाई हो सके। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका आईडी स्क्रीन पे दे दूंगी, उसे जरूर चेक कीजिएगा ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईब्रोज को आउटलाइन करने के लिए मैं मैबेलिन का फैशन ब्राउ ग्रे पेंसिल यूज कर रही हूँ और इसे आउटलाइन कर लूंगी, फिर ब्लेंड कर लूंगी। इसके बाद मैं एडीएस का आईब्रो जेल एंड पाउडर लूंगी ब्राउन शेड में अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए, और उसको बैलेंस करने के लिए मैं लास्ट में एडीएस का ब्लैक आईब्रो पाउडर यूज करके फिल कर लूंगी और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं एक आईब्रो ब्रश लेके अपने आईब्रोज को कॉम कर लूंगी ताकि नेचुरल फिनिश आए। अब मैं मेबेलिन का एज रिवाइन कंसीलर मीडियम शेड में लेके एक एंगुलर ब्रश से क्लीन कर लूंगी अपने आईब्रोज के बॉर्डर्स को ताकि एक क्लीन एंड प्रिसाइज शेप मिले। अब मैं सेम कंसीलर को अपने आईलिड पर लगा लूंगी एज आई शेडो बेस, और अंडर आई एरियाज पे भी लगाऊंगी और उंगलियों से मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी। कंसीलर को सेट करने के लिए मैं लॉरियल का पेरिस मैट मैजिक ऑल इन वन कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ। मेरा शेड है गोल्डन आइवरी और इसे मैं एक पाउडर ब्रश से अपने आईलिड पे लगा लूंगी। अब मैं फोकुलियर विकेरिया फेवर 01 ब्राइट लक्स पैलेट से ये इंडियन रेड शेड लूंगी और इसे एक ब्लेंडिंग ब्रश से अपने क्रीज पे लगाऊंगी एज ए ट्रांजिशन शेड। ये मैट शेड है। अब मैं ये टेराकोटा शेड लूंगी और इसे मैं अपने नेचुरल क्रीज पर एक छोटे से ब्लेंडिंग ब्रश से लगाऊंगी। ये एक ब्रिक रेड शेड है। इसके बाद हार्श एजेस को स्मूथ करने के लिए मैं एक बड़े ब्लेंडिंग ब्रश से इसे ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं ये सलमान शेड उंगलियों से अपने आईलिड पर लगा लूंगी। ये एक गोल्डन शिमर शेड है, और फिर मैं बॉर्डर्स पे एक फ्लैट आई शेडो ब्रश से लगाऊंगी ताकि प्रिसाइजली इसका जो बॉर्डर है वो दिखे। और लास्ट में एक बड़े ब्लेंडिंग ब्रश से मैं हार्श एजेस को ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं ये DIY प्रेस गोल्डन ग्लिटर लेके अपने आईलिड पे लगा लूंगी जो मैंने कुछ दिन पहले बनाया है, इसका वीडियो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो इसको मैं उंगलियों से अपने आईलिड पर लगा लूंगी और इसका फॉल आउट भी नहीं होता है और इसमें ग्लू की भी जरूरत नहीं है। बॉर्डर्स पर प्रिसाइजली लगाने के लिए मैं एक फ्लैट आई शेडो ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं अपने अपर लैश लाइन को आउटलाइन करने के लिए स्टे कर की बैडेस्ट लिक्विड आई लाइनर ब्लैक शीट ले रही हूँ और इससे एक शार्प विंग लाइनर बना लूंगी। फेसेस मैग्नेटाइज काजल लेकर मैं अपने अपर और लोअर वाटरलाइन को टाइटलाइन करूंगी और लोअर लैश लाइन में बोल्ड काजल ड्रॉ करूंगी। अब सेम टेराकोटा शेड जो मैंने क्रीज पे यूज किया था उसे स्पंज एप्लीकेटर से काजल के नीचे मैं लगा लूंगी। इसके बाद मैं सलमान शेड को अपने लोअर लैश लाइन में इनर 1/4 कॉर्नर में लगाऊंगी। अब मैं आईलैशेस को कर्ल कर लूंगी, फिर मैबेलिन का लेस सेंसेशनल वाटरप्रूफ मस्कारा मैं अपने अपर लैशेस में लगा लूंगी। ये काफी अच्छा मस्कारा है, आईलैशेस को क्लंप नहीं करता है, एक अच्छा वॉल्यूम मिलता है लैशेस को और कर्ल भी हो जाते हैं काफी अच्छे से। मैंने अपने फेस को ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर रखा है। अब मैं फ्लोमा का इल्यूमिनेटिंग प्राइमर अपने फेस पर यूज कर रही हूँ और हाथ से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। मेरे चिन में पिंपल है और फेस पे थोड़ा सा पिंपल का रेडनेस है, उसे करेक्ट करने के लिए मैं निका के करेक्टर एंड कंसीलर CC05 पैलेट से ग्रीन शेड लेकर उसे हाइड कर लूंगी। अब मैं ये ब्राउन शेड लेके अपने अंडर आई एरिया में और फेस पे थोड़ा थोड़ा जहाँ पे अनइवन स्किन टोन है वहां पे लगाऊंगी, फिर एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से उसे डैप करते हुए मैं ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं कंसीलर को सेट करने के लिए मीनाओ HD ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज कर रही हूँ।
ताकि ये फाउंडेशन के साथ मिक्सअप ना हो। और इसे मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ग्रीन और ब्राउन कंसीलर के ऊपर लगा लूंगी, फिर ब्रश से एक्सेस जो भी पाउडर लगा है उसे डस्ट ऑफ कर दूंगी। फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ लॉरियल ट्रूमैन सुपर ब्लेंडेबल फाउंडेशन। मेरा शेड है गोल्डन बेज और इसमें पंप भी आया है, तो काफी इजी और हाइजीनिक हो जाता है ये यूज करने में। इसे मैं अपने पूरे फेस और नेक पे उंगलियों से डॉट करके लगा लूंगी, फिर एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से डैब करते हुए ब्लेंड कर लूंगी। फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं मैबेलिन का सेम एज रिवाइंड कंसीलर मीडियम शेड ले रही हूँ और इसे मैं अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे लगा लूंगी, यानी कि मैं अपने अंडर आई एरियाज, फोरहेड, नोज ब्रिज, चिन और हॉलोज ऑफ चीक्स पे लगा लूंगी। अब मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे डैब करते हुए ब्लेंड कर लूंगी। अब कंटूरिंग के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर स्टिक ले रही हूँ। मेरा शेड है ओक्स ऑन यू और इसे मैं अपने हॉलोजो चीक्स पे, जॉ लाइन पे, फोरहेड के ऊपर, टेम्पल्स पे और नोज के साइज पे लगा लूंगी। इसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से डैब करते हुए इसे ब्लेंड कर लूंगी। फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करने के लिए मैं लॉरियल का मैट मैजिक ऑल इन वन कॉम्पैक्ट गोल्डन आइवरी शेड ले रही हूँ और इसे पाउडर ब्रश से अपने पूरे फेस और नेक पे लगा लूंगी। फेस को और थोड़ा शार्प और डिफाइन शेप देने के लिए मैं पाउडर कंटूरिंग करूंगी और इसके लिए मैं सिवाना ब्रॉन्ज प्रोफेशनल डार्क पैलेट ले रही हूँ और ये डार्क ब्राउन शेड लेकर मैं कंटूर कर लूंगी अपने पूरे फेस को जहाँ जहाँ पर मैंने क्रीम कंटूरिंग किया है। इसके लिए मैं एक फ्लैट कंटूर ब्रश ले रही हूँ। नोज को कंट्रोल करने के लिए मैं एक फ्लैट फ्लफी आई शेडो ब्रश ले रही हूँ और उसी ब्रश से और उंगलियों से मैं ब्लेंड कर लूंगी। फेस को एक ब्राइट ग्लोई हाइलाइटिंग इफेक्ट देने के लिए मैं बेक करूंगी और इसके लिए मैं ले रही हूँ मीनाओ का एचडी ट्रांसलूसेंट पाउडर और इसे एक स्पंज से मैं अपने हाई पॉइंट्स पर लगा लूंगी जहां जहां पर मैंने क्रीम हाइलाइटिंग किया था, यानी कि फोरहेड, नोज ब्रिज, चिन और हॉलोज ऑफ चीक्स पे। तो बेकिंग को सेट होने के लिए इसे 5 मिनट तक मैं रखूंगी फेस पर, तब तक मैं लिपस्टिक लगा लूंगी और अब मैं निविया का लिप बाम से अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर रही हूँ। इसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का मैट लिप लिक्विड लिपस्टिक वाइन रेड शेड ले रही हूँ और अपने लिप्स को फिल कर लूंगी। ये मरूनिश डार्क रेड शेड है और ये ट्रांसफर प्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग है और लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता है, तो ये लिपस्टिक मुझे इसलिए अच्छा लगता है। अब मैं पाउडर ब्रश से एक्स्ट्रा पाउडर को डस्ट ऑफ कर लूंगी फेस से। ब्लश के लिए मैं मैबेलिन का वी फेस ब्लश कंटूर ब्राउन पैलेट ले रही हूँ और ये सेंटर वाला शेड मैं अपने चीक्स पर लगा लूंगी एक ब्लश ब्रश के हेल्प से। फेस को एक ग्लोई और शाइनिंग इफेक्ट देने के लिए मैं सिवाना शिमर ब्रिक 03 हाइलाइटिंग पैलेट ले रही हूँ और एक फैन ब्रश से सारे शेड को मिक्स करके मैं अपने फेस को हाइलाइट कर लूंगी। इसे मैं चीक बोन्स, नोज ब्रिज, फोरहेड, क्यूपिड्स बो, चिन, ब्रो आर्च और इनर आई कॉर्नर्स पर लगा लूंगी। ब्रो आर्च और इनर आई कॉर्नर्स पर प्रिसाइजली लगाने के लिए मैं एक स्मॉल कंसीलर ब्रश का यूज कर रही हूँ। मैंने लोअर लैशेस में भी मस्कारा लगा लिया था जो मैं शूट करना भूल गई और आई मेकअप को कंप्लीट लुक देने के लिए मैं फेक लैशेस यूज कर रही हूँ। और ग्लू के लिए मैंने लिया है डुओ का स्ट्रिप ऑन आईलैश एडहेसिव जिसमें एक ब्रश एप्लीकेटर आता है और उससे लगाना काफी इजी होता है। तो मेकअप कंप्लीट हो गया है। अब इसे लॉक करने के लिए लॉरियल पेरिस इनफेलिबल प्रो स्प्रे एंड सेट मेकअप सेटिंग स्प्रे लेकर मैं अपने पूरे फेस पर स्प्रे कर लूंगी, फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर से उसे डैब कर दूंगी ताकि वो फेस पर अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। तो ये है मेरा कंप्लीट इंडियन ब्राइडल मेकअप लुक। आई होप कि आपको ये लुक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आप और भी ऐसे वीडियोस देख सके और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।